नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है नीट 2019 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अभी जो है 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। चॉइस फिलिंग आप सभी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग 24 जून 2019 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाएं, जहां पर आपको काउंसलिंग करना है, medicalcounseling.nic.in, यहां पर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, उसे देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया है या कर दिया हो तो एक बार यह लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उसे ज़रूर देख लेना। यहाँ पर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग पूरी डिटेल मिल जाएगी जो एमसीसी की तरफ से अवेलेबल है। ध्यान रखिए, यह फीस के रिगार्डिंग कुछ वेरिफिकेशन हो सकते हैं। ऑफिशियल फीस जो है कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। यहाँ पर एक जनरल आइडिया के लिए एमसीसी ने यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो आपने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन करना चाहो कि कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है MBBS के लिए, BDS के लिए, पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज की पूरी डिटेल मिलेगी। व्यू पर क्लिक करना है और बॉन्ड स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। बॉन्ड यानी काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आपको एक बॉन्ड फिल करना पड़े। तो बॉन्ड का बेसिकली मीनिंग ये होता है, अगर आप एक साल बाद अगर यह डिसाइड करो कि आपको उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना या आप MBBS के डिग्री छोड़ देना चाहते हो, तो बॉन्ड के हिसाब से ये होगा कि आपको 4.5 ईयर की फ़ीस जो है कंपलसरी भरनी पड़ेगी। काफ़ी सारे कॉलेज में यह बॉन्ड कंपलसरी होता है, काफ़ी सारे कॉलेज में यह बॉन्ड कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप बॉन्ड भरते हो तो इसका यह मतलब रहेगा कि आप कंपलसरी 4.5 ईयर की फुल फीस उस कॉलेज को देनी है। अगर आपने बॉन्ड नहीं भरा है फिर जो है कॉलेज जो है ये रूल्स आप पर इन्फोर्स नहीं कर सकते। एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपने जो कॉलेज फिल किया है उसमें बॉन्ड है या नहीं, क्योंकि बाद में आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते, फुल फीस आपको देनी ही पड़ेगी। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।